जय माता दी। दोस्तों, कल रामनवमी थी और दुर्गा नवमी भी। कल के दिन का एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले कन्या रूपी देवियों को अपने घर बुलाया और उन्हें भोजन करा के बहुत अच्छे से उन्हें तृप्त करके विदा किया। उसके बाद में हम लोग गए राम मंदिर, वहाँ पे हम लोगों ने करना था भंडारा, तो वहाँ चल रहा था राम जी का रुद्राभिषेक। और उसके बाद में रुद्राभिषेक के बाद हम लोग नीचे आ गए भंडारा करवाने के लिए। भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करके और बाद में बाहर लोगों की क्षुधा शांत करवा के मन को जो शांति मिली। जय श्री राम बोलते चलो, उसको तो शायद ही शब्दों में कोई बता पाए। इसके बाद में हम लोग गए माता रानी के मंदिर। वहाँ तो मैं हर साल जब भी नवमी होती है, सिर्फ कोरोना काल में छोड़ के हम लोग जाते हैं, हलवा और चने घर से बना के ले जाके और वो भी वहाँ बांटते हैं जाके प्रसाद रूप। कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है वो है दान करना, और शायद भोजन या अन्न से बड़ा दान और कुछ भी नहीं होगा। तो मंदिर जाने के बाद हम लोगों ने जो बांटा था उसका वीडियो तो नहीं है, लेकिन पिक्स का है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। बहुत सुंदर मंदिर है, इसमें गुफा भी बनी हुई है माता रानी की और शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनी हुई है। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू। जय माता की।